जय हिंद जय भारत साथियों, मैं हूं अजीत फौजी सुंगरपुरिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम भिवानी। साथियों आपको बता दें कि सेना के अंदर दो तरह की भर्तियां आजकल कंडक्ट की जाती हैं। एक तो भर्ती होती है यूएचक्यू एनरोलमेंट, यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की भर्ती होती है जो कि रिलेटेड सेंटर के द्वारा ये भर्ती कंडक्ट की जाती है और ये रिलेशन के बच्चों को, रिलेशन और गेम के बच्चों के लिए रैली होती है। दोस्तों यहाँ पर रिलेशन के बच्चे ही भर्ती देख सकते हैं, फौजियों के बच्चों के लिए और भाइयों के लिए ये यूनिट हेडक्वार्टर कोटा की भर्ती की जाती है और स्पेशल गेम के बच्चों के लिए। दूसरी जो भर्तियाँ होती हैं वो ओपन रैलियाँ होती हैं जो कि आपके ZRO के अंदर आने वाले सभी, जो पहले नाम BRO था आजकल ARO बोलते हैं उनको, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, तो इनके द्वारा ओपन रैलियाँ की जाती हैं। तो दोस्तों ये पिछले लगभग 1.5 साल से ये भर्तियां नहीं हो रही हैं। आर्मर्ड सेंटर में, मैकेनाइज सेंटर में 2020 में ये भर्ती हुई थी नवंबर दिसंबर में, तब के बाद में और भर्ती भी हो चुकी है, लेकिन दो दो भर्तियां हो चुकी इन सेंटरों में, लेकिन टेस्ट नहीं हुआ है। ये टेस्ट लास्ट 1 मार्च 2021 को हुआ था, उसके बाद में टेस्ट नहीं हुआ है। लास्ट टेस्ट वही था, उसमें कुछ जोन का कैंसिल कर दिया गया था, उसके अंदर सेंट्रल जोन कमांड और साउथर्न कमांड थी पूना वगैरह। तो यहाँ पर इनमें जो भी सेंटर आते हैं जैसे आर्मर्ड, मैकनाइज, ग्रेनेडियर, महार, AMC, कई सेंटर हैं जो कि EME, इन सेंटरों के पेपर नहीं हुए थे यहाँ पर, तो इनके पेपर दो दो भर्तियाँ हो चुकी हैं, यहाँ पर पेपर हुए नहीं हैं। तो अभी इनके लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि ये हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बताया था उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान रैलियों में, लोगों ने बहुत से ट्विटर पर भी और कई प्रकार की स्ट्राइकें की, जो कि हमारे मिनिस्टरों तक ये बात पहुंची, आर्मी हेडक्वार्टर तक ये बात पहुंची है, हमारे कई MLA और MPs ने भी ये बात लोकसभा राज्यसभाओं में उठाई हैं। तो अब ये फाइनली हो गया है कि अखबारों में आने लगी ये खबरें निकल कर कि जल्दी ही आपका टेस्ट होगा। तो ये जो टेस्ट है वो कंडक्ट करने के लिए अप्रैल माह में होने की पूरी पूरी संभावना है। तो जो भी भाई हैं पेपर दे रहे हैं उनके लिए यही है कि अपनी तैयारी रखें, पेपर जल्दी होने वाला है। साथियों इसके अंदर बहुत सी भर्तियाँ ARO की भी हैं और सेंटरों की भर्तियाँ भी हैं जिनके टेस्ट नहीं हुए हैं पिछले 1.25 साल से। तो साथियों जल्दी ही ये खुशखबरी आएगी, आपको बता दें कि टेस्ट होएगा। ये रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट मांग ली आर्मी हेडक्वार्टर ने, ठीक है आपको बता दें, ये आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी है एक तरह से। तो जो भी भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, हम आपको बिल्कुल सही जानकारी उपलब्ध करा दें। आपको बता दें ये आधिकारिक सूचना नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया अभी इसका, लेकिन जल्दी ही आने वाला है क्योंकि अखबारों के माध्यम से जो भी कटिंगें आई हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है साथियों, ये कोई भी अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, लेकिन पूरी पूरी संभावना जरूर है और होगा ये टेस्ट जल्दी ही। महिला कैंडिडेटों के लिए भी खुशखबरी है कि उनको NDA में भी जाने लगी हैं आजकल लड़कियाँ। उसके अलावा पिछले 2-3 साल से भारतीय सेना में भी लड़कियों को शामिल किया गया है, भारतीय सेना पुलिस में उनका एक बैच निकल चुका है, दूसरा बैच की भी जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और उनका लिखित परीक्षा बाकी है। जो तीसरा बैच है उसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तो हो गई लेकिन रैली नहीं हुई है अभी तक, अभी वो रैली होगी। तो जल्दी ही महिलाएं भी अपने तैयारी करते रहें, जल्दी उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है ये। NDA का पेपर आपको पता है 10 अप्रैल 2022 को होगा। आप भी किसी प्रकार की भर्ती की जानकारी या तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें, ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम। ये हरियाणा के अंदर भिवानी डिस्ट्रिक्ट के तोसाम तहसील के अंदर ये अकेडमी है। आप हमें गूगल मैप पर भी सर्च कर सकते हैं ओम स्पोर्ट्स अकेडमी लिखकर, हमारा यूट्यूब के ऊपर भी चैनल है ओम स्पोर्ट्स अकेडमी तोसाम के नाम से, फेसबुक पर भी हमारा अकाउंट है ओम स्पोर्ट्स अकेडमी, इंस्टाग्राम पर भी हमारा ओम स्पोर्ट्स अकेडमी के नाम से हमारा अकाउंट है,
टेलीग्राम व्हाट्सएप के लिए हमारा नंबर 70 56 390 909 7056 390 909। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।